हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब सखी रुकू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की जो बहुत सारी महिलाओं में सही निकले हैं, और हमारे घर में जो दादी नानी होती थी, बुजुर्ग औरतें होती थी, वो इन लक्षणों को देखकर ही अंदाजा लगाती थी कि आपके घर में लड़का आएगा या लड़की आएगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ये पसंद आए तो इसे एक बार लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है, पांचवें और छठे महीने के बाद से आपके नाभि में कालापन आने लगेगा। आपके ब्रेस्ट के जो निप्पल है उसमें भी आपको कालापन दिखने लगेगा, पहले की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देने लगेगा। उल्टे साइड का जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा हैवी दिखाई देने लगेगा। आपके पेट का जो आकार है वो नीचे झुका हुआ दिखाई देने लगेगा। दूसरा लक्षण है दोस्तों, जो आपको चौथे महीने से दिखाई देने लगेगा, यानी कि चौथे महीने से जो आपके बाल है वो बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। अगर आपके बाल पहले से दो मुहे होते हैं या झड़ते ज्यादा हैं, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ये भी बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। अब बात करते हैं अगले लक्षण की, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपका चेहरा जो है वो उतरा हुआ दिखाई देने लगता है, यानी कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देने लगता है, आपका कलर डल दिखाई देने लगता है। बहुत सारी महिलाओं में ये सही साबित होता है, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं जो आपकी स्किन पर पहले नहीं थे, और इस टाइम पर आपके पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, डार्क सर्कल्स भी आपको हो जाते हैं, तो ये भी घर में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। शुरुआती महीने से ही अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और थोड़ी देर बाद वो दर्द सही हो जाता है, तो ये भी लक्षण बेबी बॉय होने का माना जाता है। ये लक्षण बहुत सारी महिलाओं में सही निकले हैं, और कुछ महिलाओं में ये लक्षण अलग भी निकले हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है इस वजह से, लेकिन ये लक्षण कभी कभी मैच भी कर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।